मनीष शर्मा और हाजिर हूं लेकर पेपर लीक पर बड़े खुलासे एनडीटीवी पर सुपर एक्सक्लूसिव रात 9 बजे। राजस्थान में बीते 4-5 साल में सबसे चर्चित कोई मुद्दा रहा तो वो है भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मुद्दा। विधानसभा चुनाव में बड़ा चुनावी मुद्दा बना और अब बीजेपी सरकार बनने के बाद और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेपर लीक माफियाओं और रैकेट पर राजस्थान में बड़ा एक्शन दिखने लगा है। कार्रवाई के लिए बनी SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और SOG ने 6 दिसंबर 2020 की जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा के मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 को नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया है, जिनसे पेपर लीक करने के तरीके और पर्चे बेचने को लेकर कई नए खुलासे हुए हैं। खास बात यह है कि पेपर लीक के तमाम आरोपी सरकारी कर्मचारी हैं, यानी सिस्टम के भीतर बैठे लोग। पर्चा लीक का मास्टरमाइंड जयपुर के खातीपुरा स्कूल में 3rd ग्रेड टीचर राजेंद्र यादव निकला है, जिसने फोटो खींचकर इस जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा के पर्चे को 50 लाख रुपए में बेचा था और जिसे बेचा वो है पटवारी हर्षवर्धन मीणा, दौसा का रहने वाला है। और हर्षवर्धन ने फिर आगे पेपर खरीद कर दलालों को बेचे और करोड़ों रुपए का हिसाब किताब रखा गया। अलग अलग जगहों पर इस पेपर को बेचा, किस तरह से इस पूरे पेपर लीक प्रकरण को राजस्थान में अंजाम दिया गया और अब इन गिरफ्तारियों से क्या ज्यादा जानकारियां निकल कर आई हैं, कौन है ये आरोपी, ये तमाम बातें अगले आधे घंटे में आप जानेंगे एक्सक्लूसिवली सिर्फ NDTV पर। और सबसे पहले आपको दिखाएंगे पेपर लीक और आरोपियों की कुंडली को डीकोड करती हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। SOG के सूत्रों के मुताबिक हर्षवर्धन मीणा और राजेंद्र यादव इस पूरे पेपर लीक के मुख्य सरगना है, लेकिन पुलिस इस बात से भी इनकार नहीं कर रही कि राजस्थान में हुए पेपर लीक मामलों में इनकी भूमिका संदिग्ध रही है। हर्षवर्धन मीणा के केस पर गौर कीजिए, खुद पटवारी है, मूलतः दौसा निवासी है हर्षवर्धन मीणा, वहाँ एक आश्रम भी संचालित करता था। पत्नी सरिता मीणा भी पटवारी है। सरिता मीणा ने 2022 में सब इंस्पेक्टर परीक्षा भी दी थी। पुलिस का मानना है कि सरिता मीणा की जगह किसी डमी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। हालांकि सरिता मीणा फिजिकल टेस्ट में पास नहीं हो पाई थी, ऐसे में सरिता मीणा सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सब इंस्पेक्टर भर्ती 2022 का पर्चा कितने लोगों तक पहुँचाया गया था। आपको बता दें कि हर्षवर्धन मीणा ने अपने परिजनों को भी सरकारी नौकरी में सेट किया है। इसकी भाभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, साथ ही इसके भाई को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि इसके भाई ने शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में एक डमी कैंडिडेट को बिठाया था। हर्षवर्धन मीणा को पुलिस चीटिंग गैंग में सक्रिय मानती है, साथ ही ये दूसरे गैंग से भी कंपटीशन में रहा है। पुलिस ने इसे नेपाल बॉर्डर से पकड़ा है। जो हम लोग किसी और मुकदमे का अनुसंधान कर रहे थे तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही अरेस्ट किया था हमने, तो उसने पूछताछ में ये बताया कि अगर मैंने कुछ ऐसा सब्सटेंटिव डिस्क्लोजर किया तो हर्ष बॉस नाराज हो जाएंगे। तो पहली बार मैं चौंका था कि कोई ऐसा आदमी है जो दूसरे लोगों के मन में एक भय का वातावरण पैदा किया हुआ है। तो मैं इंटरेस्टेड हुआ और मैं फिर उसको बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाया और उसके अनुसंधान में जो कड़ियाँ हमने जोड़ी, जो हमने अलग अलग पुलिस की टीमें भेजी, उनसे जो फीडबैक मिला, उसके आधार पर फिर हमने इसके खिलाफ वारंट लिया कोर्ट से और फिर धीरे धीरे अपने जर्नेट को बड़ा किया और उसी के तहत ये नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया है। जो टिपिकल चीज़ इन्वेस्टिगेशन से इमर्ज हुई है कि चाहे हर्षवर्धन मीणा हो, राजेंद्र यादव हो टीचर, या मोट हो जिसको हमने अरेस्ट किया है लाइब्रेरियन गंगानगर से, इन सभी के जो क्लोज रिश्तेदार है वो सारे किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड है। राजेंद्र यादव का केस, 23 साल से एक ही सरकारी स्कूल में कार्यरत है, लेकिन ये सिर्फ टीचर ही नहीं है, JEN भर्ती पेपर लीक का ये मास्टरमाइंड है। JEN भर्ती परीक्षा से पहले फोटो खींचकर हर्षवर्धन को 50 लाख में बेचा, हर्षवर्धन ने इसे आगे करोड़ों में बेचा। 5 लाख से लेकर 15 लाख तक में ये पेपर बिकते थे, कोई फिक्स प्राइस नहीं था। मैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह ये वही स्कूल है जहां से JEN भर्ती परीक्षा का
पेपर लीक हुआ था और उसका मास्टरमाइंड था राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव, वही राजेंद्र यादव जिसने इस स्कूल से इस भर्ती परीक्षा का पर्चा आउट कर दिया था। राजेंद्र यादव ने यहाँ से जो है पेपर को स्ट्रॉन्ग रूम से अपने साथियों के माध्यम से पर्चे को निकाला और उसे व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दूसरे साथी हर्षवर्धन मीणा को पहुंचाया और वहीं से पूरे राजस्थान में इस पेपर को वायरल किया गया। 6 दिसंबर 2020 को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था और 9 दिसंबर को 3 दिन बाद ही SOG में इस पेपर लीक को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसकी जाँच आगे बढ़ी और इन आरोपियों तक पुलिस पहुंची। कल पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहाँ मास्टरमाइंड राजेंद्र यादव को भी गिरफ्तार किया और अब इस मामले में पुलिस आगे कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि राजेंद्र यादव करीब 23 सालों से इसी स्कूल में कार्यरत थे, तो ऐसे में अब तक कितनी भर्ती परीक्षाओं के पर्चे उन्होंने यहां से लीक किए हैं, इस मामले की भी जांच होना जरूरी है। हैरत की बात यह है कि जिस राजेंद्र यादव ने JEN का पेपर लीक किया, उसका बेटा भी वर्तमान में JEN पद पे कार्यरत है और बहु सीनियर टीचर है। पेपर लीक करके ये दोनों आरोपी अपने परिजनों की नौकरी लगवा रहे थे। बड़ा सवाल ये है कि कहीं इस गिरोह का हाथ दूसरे पेपर लीक केस से तो नहीं जुड़ा। अब तक राजस्थान SOG 7 बड़े केसेस खंगाल रही है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021, CHO भर्ती परीक्षा 2020, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, रीट भर्ती परीक्षा 2021, कनिष्ठा अभियंता भर्ती परीक्षा 2020, हाई कोर्ट लिपिक परीक्षा 2020। इस मामले में पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस कड़ी में बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारी शामिल हैं। हर्षवर्धन पटवारी है और राजेंद्र यादव सरकारी टीचर है। इस केस में पकड़ा गया शिवरतन लाइब्रेरियन है और राजेंद्र यादव उर्फ राजू पुलिस सब इंस्पेक्टर में चयनित अभियुक्त है, यानी कि इस गिरोह का हर मेंबर सरकारी कर्मचारी है और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 50 ऐसे कर्मचारी पेपर लीक के मामले में शामिल हैं, जो सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। SOG की ओर से इन कर्मचारियों के संबंधित विभाग को लेटर भी लिखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले इन आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देकर सरकार लाखों अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेगी। जितने तरह का कानून है वो सभी कानून इस्तेमाल किया जाएगा इनको इनके किए हुए की सजा दिलाने के लिए। दैट वी आर वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज वन थिंग, उसके अलावा भी बहुत सारे जो आज के डेट में पावरफुल लॉज हैं जो इनको इनके किए की सजा दिलाने के लिए जरूरी हैं और पर्याप्त हैं, उन सारे को हम लोग इन्वोक करेंगे। आप देखेंगे कि जितनी लीकेज की या और तरह की अनियमितताएँ हुई हैं एग्जाम में, इसमें काफ़ी संख्या में गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन्वॉल्व रहे हैं, तो एक जो एक लेथार्जी का चलता है कल्चर वो तो बिल्कुल हम लोग पीछे पड़े हुए हैं। विभाग को ऐसे लोगों को जो चिन्हित हो चुके हैं, जिन्होंने पास्ट में ऐसी गड़बड़ियां कर रखी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी ही पड़े और जल्दी से जल्दी हो। इसके लिए मैंने अपने ऑफिस में एक छोटा सा यूनिट बना रखा है और वो डे टू डे बेसिस पे सभी दफ्तरों से संपर्क में है। मैंने खुद सभी विभाग का जो उनके कंट्रोलिंग अफसर है उनको DO लिखा है कि उनके खिलाफ जल्दी विभागीय कार्रवाई कंक्लूड की जाए। 2 लोगों को नौकरी से भी निकाला है, तो विभागीय कार्रवाई, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और कोई अटैचमेंट, सब तरह की कार्रवाई हम इनके खिलाफ करेंगे, प्रॉपर्टी अटैचमेंट और ये जो भी इनके दिमाग में अगर किसी भी तरह की कोई गलतफहमी है वो सब दूर करेंगे और कानून को सख्ती से लागू करेंगे।